एमपी में इस बार 76% से ज्यादा मतदान हुआ है। ये पिछले 4 चुनावों में सबसे ज्यादा है, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले इसमें खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। 2018 में कुल वोट प्रतिशत 75% से अधिक रहा है। पिछले 4 चुनावों का ट्रेंड देखें तो पिछले चुनाव की तुलना में वोट परसेंट का अंतर जितना कम बढ़ेगा उतना सत्ताधारी दल को सीटों का नुकसान कम होने की संभावना होती है। मध्य प्रदेश की 8 हाई प्रोफाइल सीटों पर वोटिंग प्रतिशत देखें तो पिछले चुनाव के मुकाबले इसमें से 6 सीटों पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, जबकि 2 सीटों पर कम हुआ है। जानिए प्रदेश की हॉट सीटों का वोटिंग एनालिसिस। हाई प्रोफाइल सीट दिमनी में 15 साल बाद मतदान का प्रतिशत घटा है। इस सीट पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मैदान में है। पिछले 4 चुनावों के वोटिंग पैटर्न को देखें तो हर चुनाव में 3-5% तक वोटिंग बढ़ी है, लेकिन 2023 में पिछले चुनाव की तुलना में 4% वोट कम पड़े हैं। पिछले 4 चुनाव में इस सीट पर 2 बार भाजपा और 1-1 बार बसपा और कांग्रेस जीती है। एमपी की सबसे हॉट सीट इंदौर 1 में 2018 में 69.26 और 2023 में 72.10% वोटिंग हुई है। बीजेपी से यहां बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और कांग्रेस से संजय शुक्ला मैदान में। इस सीट पर जिसे 50% से ज्यादा वोट मिलते हैं उसकी ही जीत होती है। 2018 में जबलपुर पश्चिम में 66.62% वोटिंग हुई थी। इस बार 71.66% वोटिंग हुई है। इस सीट पर बीजेपी सांसद राकेश सिंह और कांग्रेस विधायक तरुण भनोत के बीच मुकाबला है। 2018 में नरसिंहपुर में 81.71% वोटिंग हुई थी। इस बार यहां पर 82.15% वोटिंग हुई है। नरसिंहपुर में बीजेपी से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और कांग्रेस से लाखन सिंह पटेल मैदान में। 2013 के मुकाबले 2018 में वोटिंग प्रतिशत का अंतर 2% से कम हुआ। 2013 में 72.13% वोटिंग हुई थी, जबकि 2018 में 75.63% वोटिंग हुई। 2013 के मुकाबले 2018 में वोटों का अंतर 3.50% रहा। इस चुनाव में सत्ताधारी दल को नुकसान हुआ। कांग्रेस को 114 और भाजपा को 109 सीटें मिली। दैनिक भास्कर के लिए भोपाल से राजेश शर्मा की रिपोर्ट।